The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. कि एक इंसान को, एक मेल को, एक फीमेल को सेक्स करते समय प्रॉब्लम कब होगी, क्या-क्या हो सकती है, क्यों हो सकती है? So सबसे बड़ी, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि एक मेल का सेक्स करते समय इरेक्शन हो ही नहीं रहा, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, पहला सबसे कॉमन प्रॉब्लम। उसके ऊपर टोटल डिटेल वीडियो ऑलरेडी है हमारे इसी चैनल पे, आप सर्च कर सकते हैं, राइट, देख सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें इरेक्शन मेंटेन नहीं हो रहा, मेंटेन नहीं हो रहा मतलब इरेक्शन हो रहा है, जैसे ही आप पेनिट्रेशन के पास जाते हैं इरेक्शन मेंटेन नहीं हो, दैट कैन बी साइकोलॉजिकल, दैट कैन बी फिजिकल प्रॉब्लम, कि आपके पेनिस के नीचे अंदर जहाँ पे नसों का वैल्व होता है, बेसिकली एक तरीके से प्रेशर आ जाता है जिससे कि खून कड़क से उसमें कड़क रहता है, वो लीकेज है, वहाँ प्रेशर प्रॉपर नहीं है, वेरिकोसील है, अंडकोशों में कोई प्रॉब्लम है, टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है, थायराइड में कोई प्रॉब्लम है, विटामिन डी B12 में या कॉन्फिडेंस में ही कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, परफॉर्मेंस एनजाइटी है, इन सब में कुछ ना कुछ होता है, या नसों में कोई प्रॉब्लम है, B12 की बहुत तगड़ी कमी है, B12 विटामिन डी, राइट, सो मोटापा बहुत ज़्यादा है, इन सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, और हर एक एंगल से उसको ठीक करना होता है। फिर प्रॉब्लम आ सकती है कि इरेक्शन सही है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो वेजिनिस्मस फीमेल में होती है, कि फीमेल अपना वजाइना दबा के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, वॉलेंटरीली भी होता है, इनवॉलेंटरी भी होता है, वो खुद नहीं कर रही लेकिन हो जा रहा है डर से, कि दर्द तो नहीं होगा, ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा, खून तो नहीं बह जाएगा, ऐसे डर से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं अपना वजाइना और कुछ अंदर नहीं जा पाता। ऐसे केस में फिजिकल एग्जामिनेशन जब गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये वेजिनिस्मस है, और वो स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाता है, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेंगे कैसे। तीसरा प्रॉब्लम आ सकता है हाइमन अगर इम्परफोरेट हो, या हाइमन अच्छा बहुत इंटैक्ट हो और नहीं हो पा रहा है, तो भी कुछ समय लगता है, इनिशियली कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, वो धीरे धीरे आप उसको कर पाएंगे। सॉरी उसके अलावा प्रॉब्लम आता है लिबिडो सबसे बड़ा इशू है। लिबिडो मतलब सेक्स की इच्छा, और अगर किसी का लिबिडो बहुत कम है तो लिबिडो कम होने के चक्कर में, सेक्स की इच्छा कम होने के चक्कर में, मेल फीमेल दोनों में जब एक में इच्छा नहीं होती है तो वो दूसरे को फील हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक उबासी लेता है तो दूसरे को उबासी आती है, एक को नींद आती है तो दूसरे को नींद आती है, एक हंसने लगता है तो दूसरा हंसने लगता है, एक रोने लगता है तो दूसरा रोने लगता है, वैसे ही एक को सेक्सुअल फीलिंग नहीं आती है तो दूसरे की कम हो जाती है, बिल्कुल वैसे अगर आप हंस रहे हो, सारा कमरा लोग रो रहे हैं तो आप वहाँ हंस नहीं सकते, आपको हंसी नहीं आएगी, सेम वे अगर वहाँ से सेक्सुअल फीलिंग नहीं आ रही है तो आपकी भी सेक्सुअल फीलिंग कम हो जाएगी, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी। सो एक दूसरे के से बात करनी बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए ये हम सब मैच्योर लोग हैं, सब एडल्ट हैं, 21वीं सदी में है, कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है इसमें बात करनी, सेक्स एक नॉर्मल चीज़ है, कॉमन चीज़ है, मेल फीमेल ऑर्गन्स के बारे में, हमारी खुद की दिक्कतों के बारे में अपने पार्टनर से पहले बात करिए, और खुल के फिर डॉक्टर के पास दोनों साथ में जाके बात करिए, एक सेक्स प्रॉब्लम के लिए गायनेकोलॉजिस्ट फीमेल और यूरोलॉजिस्ट मेल के स्पेशलिस्ट्स होते हैं, फिजिशियन के पास भी आप जा सकते हो, वो भी इन चीज़ को जनरलाइज वे में देखते हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन कराना पड़े, या मान लीजिए कभी ऐसी कोई फिजिकल इशू है, तो उस चीज़ के लिए यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट ही आगे बढ़ेंगे। सो सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत तरीके की हो सकती है, इसके अलावा भी सेक्स के दौरान पेन होना, पेनिस के अंदर बेलेनाइटिस हो, पेनिस में सूजन हो तो पेन हो सकती है, फीमेल को पेन होना अंदर, पेन होने से आपको कभी वेजेनाइटिस है, कभी जलन है, कभी ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा ड्राई है तो दर्द होने लगेगा, राइट, लैक ऑफ लुब्रिकेशन है, तो इतने सारे एंगल्स है कि आपको बात करके ही, एक दूसरे से बात करके ही समझ में आएगा आपको कि कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लग रहा है, और फिर डॉक्टर से बात करके समझ में आएगा कि ये इशू क्या है और कहाँ प्रॉब्लम है। हो सकता है मात्र सिंपल लुब्रिकेशन का प्रॉब्लम हो, कि लुब्रिकेशन सही नहीं है, एक लुब्रिकेंट जेल या लुब्रिकेंट फ्लूइड आप अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो छोटी से बड़े से बड़ा तक प्रॉब्लम हो सकता है,
अगर आपको सेक्स करते समय प्रॉब्लम हो रही है। मेरी सलाह होगी कि आप पहले एक दूसरे से खुल के बात करें, अपने पॉइंट्स लिखें और लिखने के बाद फिर डॉक्टर से जाके बात करें, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राइट?